आज हम लोग आपके साथ मिलकर एनसीईआरटी सीरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में सीधे और प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को प्रारंभ होने से पहले अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और खासकर जब हम एनसीईआरटी पैटर्न की बात करते हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी में ये सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहाँ से सीधे आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप इसकी जो की पॉइंट होगी, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा वाले होंगे, आप उसे लिखते चलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल प्रश्नों की व्याख्या ही नहीं करेंगे, केवल उनके साथ साथ जो चारों प्रश्न हैं उन सभी के पूरे जो विकल्प हैं, उन सभी जो विकल्प हैं उनकी संपूर्ण व्याख्या होगी। और ये सारे प्रश्न जो हैं, ये पूरी तरह से परीक्षा का जो पैटर्न है उसके आधार पर होगा। तो चलिए बिना देरी किए आप लोग इस क्लास के में जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामने प्रश्नों को उत्तर देने के लिए जो ड्राफ्ट बॉक्स खुलेगा, उस पर आप 15 सेकंड के अंदर अपने प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं, प्रश्न आपके सामने है, साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है संसार में सबसे तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, सिलेक्शन वाली क्लास है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फटाफट कमेंट करिए। चीनी, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जाहिर है क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो तांबा प्रमुख खनिज जो है वो चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट। तो यहाँ पर इसका अगर प्रमुख देखें तो पहले नंबर पर, अगर नंबर एक पर देखें तो चिली आएगा। क्या आएगा? चिली। अगर हम नंबर दो की बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो यूएसए आता है। दूसरे पे क्या आएगा? यूएसए। दूसरे पे कौन आएगा? यूएसए। और तीसरे पर इंडोनेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। माने इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, माने ए वालों का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग तैयार हैं? जी, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये होता है, मैं इसकी व्याख्या इसीलिए करता हूँ ताकि जो आपका जो प्रश्न हो वहाँ पर ये समस्या जो है आपकी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और आप लोग परीक्षा में जो डर है वो जब निकल जाएगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीन है और एक सही सुमेलित नहीं है। आपको यही कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। 15 सेकंड तक आप इस प्रश्न का जवाब अपना दे सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन से विकल्प ताला लगा रहे हैं, जल्दी फटाफट फटाफट सभी लोग। यहाँ पे कौन सा गलत है, सही नहीं बताना है, गलत कथन बताना है। आइए ध्यान से देखते हैं। एमू जापान में, देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये देश है आप तो जानते ही होंगे, और ये वहाँ की जनजाति है। मतलब नोट्स बनाने में आपको ये फायदा होगा। तो जापान में एमू है, मसाई टंगानिया, केन्या, पूर्वी युगांडा, पठारी क्षेत्र में घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन यापन करते हैं। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ निवास करने वाली जनजाति अब लायोसो, नेटाल और जिम्बाब्वे में पाई जाती है। मसाई टंगानिया केन्या पूर्वी गंडा में। अब यहाँ पे देखेंगे पापुवंस, ये प्रशांत महासागर पापुवन न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी पिग्मी जाति मिलते हैं। ये भी सही है आपका। यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका संघ जो बुशमैन है यही गलत है, मसाई केन्या। देखिए बुशमैन दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी, ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। अब ये लायोसो, नेटाल और जिम्बाब्वे में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बी गलत है। इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न में बी विकल्प को ताला लगाया था उनके जवाब सही हैं, बाकी लोगों के जो जवाब थे वो पूरी तरह से गलत थे। देखिए यहाँ पर हमने आपको जो व्याख्या था वो पूरी तरीके से कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और वहाँ से आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में लौह अयस्क के तीन अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? इसीलिए मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं उसकी नंबरिंग आपको लिखवाता चलता हूँ, क्योंकि अगर नंबरिंग आपके पास एक बार सुरक्षित हो जाएगी तो बहुत सारे प्रश्न आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं।
तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए आपके पास 5 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड आपको जल्दी से विकल्प को ताला लगाना है अपने। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 203 में आपने क्या लगाया है। देखिए लौह अयस्क का जो मुख्य अयस्क है, लौह अयस्क का जो मुख्य अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है, मतलब अगर इसका जो सूत्र है हो सकता है ये पूछ दे, Fe3O4 है। इसके अलावा हेमेटाइट है, इसके अलावा क्या है? हेमेटाइट है। ठीक है, मतलब हेमेटाइट अगर देखा जाए तो Fe2O3 है। उसके अलावा अगर देखा जाए लिमोनाइट है, सिडेराइट है, पायरा, ये लव अयस्क। अगर उत्पादन देश की बात करें तो अगर यहाँ पे हम देखें, पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, और अगर हम तीसरे की बात करें तो ब्राजील है। अब आपको यहाँ पर दिए गए प्रश्न में से आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपका उत्तर आपने सही बताया है, और 41% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी लॉक किया है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा चीन और देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया होगा। देखिए विकल्प क्या जाता है, रूस, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लॉस का उत्पादन क्रमशः यहाँ पे चीन पहले पे है। देखिए यहाँ पे चीन, ऑस्ट्रिया है। देखिए यहाँ पर बी ही इसका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि जिस समय प्रश्न के डेटा के हिसाब से यहाँ पे रूस है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, रूस जो है बाद में आता है। ये फिलहाल चीन पहले पर, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम मान सकते हैं, लेकिन ये संदेहपूर्ण एक प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं मैं और अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और प्रायः हमें और आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए देखते हैं जो आपके सामने प्रश्न का विकल्प आता है। ये एक महाभारत सीरीज है जिसका मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन के लिए नज़दीक लेकर चलना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है। चार विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से किसी एक विकल्प का आपको लॉक करना है ताला। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। मुझे बार बार कहना पड़ता है ताकि लोगों की मदद हो सके। सीसा, एल्युमिनियम का, जस्ता का, तांबा का, बताइए। देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने सही से प्रश्न का उत्तर भी दिया है। देखिए अगर शीशा देखा जाए, ज़्यादातर लोगों ने अभी तक शीशा का उत्तर दिया है, तो जो शीशा है वो गैलेना है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये बॉक्साइट का अयस्क है। अगर जस्ता का देखा जाए तो कैलिमीन का है। यह महाभारत सीरीज जहाँ पे मेरा उद्देश्य आपको हर तथ्य को, हर प्रश्न की व्याख्या करना। अगर तांबा का पूछ दिया जाए तब देखिए तांबा का क्या है, चेल्कोपाराइट है और बोनाइट है, क्यूपराइट है, चैलेमाइट है। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है तो 64% लोगों ने इस उत्तर बी बताया है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी का सही और राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह था कि हम आपके सिलेक्शन तक पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहें। तो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे है कथन निष्कर्ष टाइप का है, शायद आपको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर यह है कि पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। चार विकल्प हैं आपको, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है और वीडियो पूरी तरह से HD में है, वीडियो पूरी तरह से HD में है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए ज्यादातर लोग 2 और 3 से ही बता रहे हैं। देखिए पेट्रोलियम के संबंध में तो मध्य पूर्व दोनों देशों के संसार का, अगर मध्य पूर्व संसार के पेट्रोल का लगभग 60% भंडार पाया जाता है। जी हम देखिए मध्य पूर्व के देशों में संसार के कुल तेल का भंडार का लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। मतलब ये कथन आपका पूरी तरह से सही है। इन देशों के अंतर्गत सऊदी अरब लगभग 264.3 अरब बैरल भंडार के साथ प्रथम स्थान पर है, सऊदी प्रथम स्थान पर है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ सही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का मुख्य प्रमुख उत्पादक और प्रमुख आयातक देश दोनों यहाँ, मतलब यहाँ पर ये सभी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी यहाँ पर सही, मतलब डी अभी तक लोगों ने ज़्यादा इस प्रश्न का उत्तर बताया है, ठीक है, कि अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं आयातक भी है, अर्थात यहाँ पर 47% लोगों का जवाब अभी तक सही आया था और बाकी लोगों ने जवाब गलत दिया था, मतलब अगर परीक्षा में प्रश्न आता तो आधे लोगों का सवाल सही होता और आधे लोग का ये सवाल गलत होता, और इस तरह से अगर आप परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के सोच पर और आपके सपनों पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, तीन है और एक नहीं है, आपके सामने चार विकल्प है, इसमें से किसी एक विकल्प पे ताला लगाइएगा। सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मैगीटोगोस क्लार्क लोहा इस्पात में, जोहान्सबर्ग सोना खनन, वर्गमन जलपोत निर्माण। तो बताइए इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ये बताने कौन सुमेलन नहीं है, तीन है और एक नहीं है। देखिए डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है ये कहाँ पर, ये यूएसए में है, ये कहाँ पर, यूएसए अमेरिका में है, जहाँ मोटर कार का वाहनों का 30% निर्माण होता है, और मैगीटोगास लोहा इस्पात के लिए है, जोहान्सबर्ग सोना के लिए, बहिगम जलपोत निर्माण के लिए नहीं है। जो ये कहाँ पे है, ये ग्रेट ब्रिटेन में, इसको जानते रहिएगा पहले, ये है ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ पर है ये, ग्रेट ब्रिटेन में है। जब ये ग्रेट ब्रिटेन में है तो यहाँ पर किसके लिए है, लोहा एवं इस्पात, लोहा व इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए आप लोगों ने इस छोटे से सवाल में कितनी गलतियां की, अगर सोचिए ये सवाल आपके परीक्षा हाल में होता तो, मतलब अगर देखा जाए तो आधे लोगों ने भी इस प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया है। आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया, कितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मृदा क्षरण की सबसे बड़ी समस्या, चार विकल्प है आपके सामने, आपको विकल्पों का चयन करना है, चार विकल्प में से किसी एक का ताला लॉक करिए जल्दी से सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबाने के बाद सभी साथियों तक पहुँचाइएगा। ये महाभारत सीरीज है विश्व भूगोल की, अभी की बार एक सीट हमार, ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, थोड़े कड़े प्रश्न भी हैं, ऐसा नहीं है कि कड़े नहीं हैं, हम कठिनाई स्तर आपके लिए लेकर आए हैं, देखते हैं सबसे सही परसेंटेज किसका आता है। तो चलिए 5 सेकंड आपके पास और है, 5 सेकंड बाद हम आपको जवाब देंगे, 5 सेकंड तक आप विकल्प का चयन कर सकते हैं, विकल्प का ताला लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर, मृदा क्षरण की सबसे बड़ी समस्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में है, मतलब कि ऊपरवर्ती मृदा में जीवाश्म होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जो वनस्पतियों की पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, लेकिन मृदा क्षरण से कारण पोषक तत्व तो वर्षा के जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार के क्षरण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षरण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, समोच्च कृषि की जाती है, भारत में कहाँ कहाँ की जाती है कमेंट करिएगा, पट्टीदार खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, और पट्टीदार खेती की जाती है, आपको ये बताना है समोच्च कृषि भारत में किस लिए प्रसिद्ध है, सीढ़ी नुमा कृषि का प्रयोग भारत में किस लिए किया जाता है। ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं, और वैसे भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में कभी ना कभी आपको ये लेने में दुर्गेश पर जरूर मिलना है, इसलिए आज अगर इसका जवाब दे लेंगे तो आपके जो दो प्रश्न है वो और अच्छे से आपके तैयार रहेंगे, तो आपका जवाब जरूर चाहिए, ठीक है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने 208 नंबर का प्रश्न है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, आपके सामने चार विकल्प है, किसी एक विकल्प को आपको ताला लगाना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके, सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मतलब सोचकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सही विकल्प अगर इस तरह से आप परीक्षा में हाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और अपना जवाब आप देख पा रहे हैं, सोचिए आपका क्या रिस्पांस रहेगा परीक्षा में, क्या ऐसे सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा और मेहनत करनी पड़ेगी अभी आपको। देखिए मैं इसके बारे में बता दूं, अगर हम तांबे की बात करें, तांबे में विश्व में
अग्रणी अगर देशों की बात की जाए तो यहां पर चिली होगा, क्या होगा, चिली पहले पर है। चिली के बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर तो यूएसए आएगा, क्या आएगा, दूसरे नंबर पर यूएसए आता है, यह बात याद रखिएगा। और अगर यहां पर विकल्प आप लोग लॉक कर चुके हैं, आपको समय नहीं मिलेगा लॉक करने का, तो इस आधार पर यहां पर देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प के आधार पर यूएसए है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। दोनों बातें आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। अच्छा सॉरी, चीन होगा ना, चीन 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 है, सॉरी चिली है ना, हाँ तो चिली है। चिली कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जब हम लोग एलिनो की धारा पढ़ाएंगे, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास में जब पढ़ेंगे जहाँ पे लाइव आकर, तो वहाँ पे जब एलिनो और लालिनो पढ़ाएंगे, या जब हम भूमध्य सागरी और प्रशांत महासागरी जब हम धाराएँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक बार इसका जरूर जिक्र होगा। इसलिए आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में धारा भी है। अगर विश्व भूगोल सीरीज वैसे मैंने पढ़ा भी दिया है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उसके बाद उस सीरीज में आपको उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा, देखिए आपको साफ दिख रहा होगा चाय निर्यातक देश कौन सा है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। बताइए सभी लोग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पे चाय का निर्यातक देश पूछा है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे ज्यादा गदल आप लोगों ने विकल्प को लॉक किया है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग अगर इसी तरह के सवाल का जवाब देंगे। देखिए अगर मैं भारत लोग बता रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, जी हाँ, भारत चाय का सबसे बड़ा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह उपभोक्ता भी है, उपभोक्ता है, लेकिन यहां पर 28% विश्व की 28% चाय पैदा होती है, विश्व की 28% यहां पैदा होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में भारत की भागीदारी देखा जाए तो मात्र 15% है। अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में अगर देखा जाए तो भारत की भागीदारी केवल 15% है। और चाय के निर्यात में, निर्यात में अगर पूछे तो चीन पहले पर, दूसरे पर श्रीलंका और तीसरे पर भारत है। मतलब दिए गए प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपका डी सही होगा। माने जितने साथियों ने डी विकल्प को लॉक किया था उनके जवाब सही हैं। सोचिए डी वालों की संख्या मात्र 5% थी। माने जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे उतने लोगों ने केवल 5% लोगों ने सही विकल्प का चयन किया, बाकी लोगों ने सबसे ज्यादा गलत विकल्प का 69% लोगों ने विकल्प ए का चयन किया जो गलत है। मतलब मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप अगर क्लास में रेगुलर हैं तो यकीन मानिए पहली चीज तो आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी प्रश्न की, जो एक लोग कहते हैं ना सर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन रुक गया, तो उसका कारण यही है कि आप लोग जो दिशा होती है पढ़ने का उस दिशा के आधार पर आप नहीं पढ़ पाते और आपको लगता है आप सही करके आ रहे हैं लेकिन वास्तव में आप गलतियां करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके हर चीजों को आपको बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे गलती हो जाए लेकिन परीक्षा में गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है टेलर घाटी कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेलर घाटी अवस्थित है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा। आपके पास चार विकल्प है, इसमें से आपको 15 सेकंड में आपको अपने विकल्प पे ताला लगाना है ताकि आप भी ये चीजें सीखें। ये प्रश्न कराने का उद्देश्य है कि आप ये समझें कि आप माने परीक्षा हाल में है, यहां पर जितनी भी गलतियां हो जाए कर लीजिएगा लेकिन परीक्षा हाल में नहीं, ठीक है। यहां पे जितनी भी गलतियां आप करना चाहते हैं कर लीजिएगा, परीक्षा हाल में एक भी गलती मत करिएगा। बस सोचिए यहां पर भी अगर मैं विकल्प की बात करूं, यहां पे जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं यहां पर सही प्रश्न का जो है वो अभी तक किसी लोगों ने चयन नहीं किया है, माने एकदम क्या बताएं, जाने दीजिए। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर टेलर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब जितने लोगों ने विकल्प ए को ताला लगाया था उनका जवाब सही, मतलब 30% लोगों ने विकल्प ए का चयन किया था।
सोचिए अगर यही हाल आप परीक्षा हाल में रहेगा तो कितनी समस्या होगी। अब ये बताइए टेलर घाटी का मतलब क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि टेलर घाटी का मतलब क्या होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर कहां पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। अगर परीक्षा में आएगा ज्यादातर लोग सवाल गलत होंगे। अब बताइए कौन से विकल्प को लॉक किया जाए, कौन से विकल्प को लॉक किया जाए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सोचिए यहां पे आपके पास एक मौका है कि जैसे लग रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यहां पर, और ये वीडियो फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, यूट्यूब पेज इलेनी बी दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, देश हित में राष्ट्रहित में आप सभी घर बैठे ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं आप सभी। देखिए यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 1.9% है, अगर हम फ्रांस की बात करें तो 1.8% है, इटली की बात करें तो 0.3% है, स्वीडन की बात करें तो 1.9% है। अब इस दिए गए विकल्प में न्यूनतम प्रजनन कहां पर है, जल्दी से कमेंट में जाइए और बताइए। सोचिए इस प्रश्न का अगर उत्तर की हम बात करें तो कितने लोगों ने गलत जवाब दिया, इस प्रश्न का जो सही उत्तर न्यूनतम होगा वो केवल 19% लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, और यही हाल आप लोग परीक्षा में करते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए नहीं होता कि आप लोग अच्छे सेटों को पढ़िए, सीरीजों को पढ़िए जहां से प्रश्न आपके गलत होते, ऐसी सीरीज को मत पढ़िए जहां से आपके सवाल पहले से आते। कुछ लोग कहते हैं सर हमें वो क्वेश्चन पढ़ाए करें जो सरल हो, जो परीक्षा में बार बार आता, ऐसी सीरीज मत पढ़िए, हमेशा नए प्रश्न पढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो विश्व की 50% जनसंख्या निम्नलिखित अक्षांशों के मध्य केंद्रित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रैक्टिकली प्रश्न है, अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे या इलानी पर दुर्गेश पर जुड़े होंगे तो ऐसे प्रश्न आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। बताइए आप बताइए इस विकल्प कौन सा ताला, कौन सा विकल्प लॉक कर रहे हैं, बताइए। देखिए यहां पर यही है और यहां पर 0 डिग्री है और यहां तो खूब वर्षा होती है, प्रतिदिन होती है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मल धन ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो तो ये क्षेत्र कहाँ पे आएगा, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री मतलब यहाँ पर हम देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जमीन है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है, मतलब बी वालों का जवाब सही है, क्योंकि 20% से लेकर 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगर यूरोप में पूछा जाए तो 40% 60% अक्षांश के बीच है, विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है, अगर यहाँ पूछा जाए 40 से 60 तो यहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ये बात रट लीजिएगा। सोचिए कि आप लोग कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आपके सीधा परीक्षा में पूछे जाए। यार एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, इसलिए नहीं कर भला तो हो भला, उनका चयन होगा, उनके माता पिता आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित समूहों देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से भी कम है, बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो आजकल ट्रेंडिंग सवाल है, जहां पे आपके सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न का, आपके सामने 4 विकल्पों से लॉक करी बात, 5 सेकंड बाद आपका लॉक करने का सिस्टम बंद हो जाएगा। देखिए अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पर एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं है, लेकिन हाँ स्पष्ट पे आप लोगों ने भी थोड़ा सा सही राय दिया है, फीडबैक दिया है, बांग्लादेश पाकिस्तान तथा जापान मिलाकर लगभग लगभग यूपी के बराबर है, मतलब लगभग ये कहाँ के यूपी के बराबर है। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जनगणना देख ही रहे हैं, तो भैया प्रश्न तो बनता ही बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा यही बताना है, या कूट वाले प्रश्न है और आपको जवाब जल्दी से देना चाहिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, आपके सामने 4 विकल्पों वाला ताला लगाने के लिए आएगा, अपने विकल्प पर ताला लगाइए और आप स्वयं देखिए कि आप कितने पानी में।
चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हम कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। आपने लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, चाहे वो 720p पे कर लेंगे पूरा HD दिखेगा, 360 पर भी आपको साफ दिख सकता है, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी देख रहे हैं। डेली क्लास के लिए लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि PDF भी मिल जाए। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग भी दुर्गेश। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, ध्यान से एकदम देखिएगा। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, सही बात। यूक्रेन में डायस्टस बेसिस प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ये भी सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ये भी सही है। यूएसए मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र में अपलेसियन प्रदेश है, मतलब यहाँ पर लगभग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी है। और डी पर लगभग 45% लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, मतलब सोचिए अभी भी कितना है कि अभी भी आप सभी को कितनी और मेहनत करनी है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी, एकदम HD दिखेगा आपको। क्लियर हो गया? फिर किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपके सामने ये भी लग रहा होगा कि अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो इस नए सीरीज में कुछ और नई चीजें आपको भी मिल रही होंगी, जो इलेनी विद्रगेश पर मिल रहा होगा आपको अपना विकल्प चयन करने का मौका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत उत्पादन केवल कितना है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं कौन सा विकल्प लॉक किया जाए। देखिए अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आप लोग ने बहुत कम लोग ऑनलाइन लॉक कर रहे हैं, लॉक करिए सभी लोग। हाँ प्लीज शेयर एवरीवन, थैंक यू। जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया उनका दिल से धन्यवाद, भगवान करे अगली भर्ती में आपका सीट जरूर फिक्स हो। देखिए ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है, इस प्रश्न का होता 1%, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1% होगा। मतलब सोचिए कितने लोगों ने यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर गलत लगाया है। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत की गिनती विश्व के 6 बड़े परमाणु देशों में होती है, लेकिन फिर भी भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का केवल 3% चार भाग है। तापीय ऊर्जा 69% है। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन विश्व में कुल परमाणु उत्पादन का केवल 1% है, यह रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, खासकर यह परीक्षा में सवाल आता है। और यहां से अगर आपने गलती की इसका मतलब यह है कि अभी आपको और तैयारी जरूरत, क्योंकि परमाणु की बात कर रहा है। हमारे यहाँ आज भी हमारे यहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। अगर आपको यहाँ पे बताएं तो शायद आपको जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ आज भी तापी ऊर्जा से 69.2% तापी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और सिलेक्शन की पॉइंट में स्कोर बनता है। अगला है आपके सामने, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम कितना है? आपके सामने 4 विकल्प है, किसी एक पर आप लोग ताला लगाइएगा। ऑस्ट्रेलिया में, गुयाना में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, जवाब जरूर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं यार, जितने लोग लाइव हैं लाइक कर दीजिए, पैसा नहीं कटतेगा यार, इतनी मेहनत से सीरीज तैयार की जाती है। देखिए आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम कितना, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, बताइए कौन से विकल्प ताला लगा रहे हैं आप लोग। देखिए अब आपका 3 सेकंड और है ताला लगाने का, 3 सेकंड बाद ताला हट जाएगा। देखिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आधे लोग भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं, एक बड़ी चीज हमें आज पता चल रही है आपकी कमियां। यहां पे अगर इस प्रश्न का उत्तर होगा गुयाना में, प्रवासी लोगों की जनसंख्या अधिक प्रतिशत मूल जनसंख्या से अधिक है। गुयाना की राजधानी किसी को पता है? जॉर्ज टाउन है, यह गुयाना की राजधानी है। यह एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, यह पहले उपनिवेश था, और दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए पहले पे गुयाना है और दूसरे पर सऊदी अरब है। आज भी अगर देखा जाए तो लगभग 10 मिलियन श्रमिक में 70% आज भी वहां पे विदेशी हैं। आज भी वहां पर क्या है, विदेशी हैं, यह इस बात का घोतक है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर चाहे तो कर सकते हैं आप। चलिए ये विश्व भूगोल की सीरीज है, ऐतिहासिक सीरीज होगी,
महाभारत सीरीज है। देखिए संसार के कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग है। संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि से बाहर निवास करते हैं। ओशिनिया में प्रवासी लोगों को जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। अब बताइए क्या होगा। और हमारा उद्देश्य केवल सिलेक्शन दिलाना है, नाम लेना नहीं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके परिवार में सबका नाम होगा, आपका आपके समाज में नाम होगा। तो इस चैनल पर इलेनी बी दुर्गेश पर आप नाम के लिए नहीं सिलेक्शन के लिए पढ़िए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए यहां पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप लोगों ने जवाब भी, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब आप लोग के जवाब इतने गलत आते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गलत उत्तर आप लोगों ने बताया, सही नहीं बता पा रहे हैं। अब खत्म हो रहा है आपका लॉक करने का समय, 3 सेकंड और बाकी है। 3 सेकंड में देखते हैं कितने लोग सही विकल्प तक लगाते हैं। यहाँ पे देखिए संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि से बाहर निवास करते हैं, सही बात। ओशिनिया में प्रवासी लोग का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है, सही। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, मतलब इस प्रश्न का ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी प्रश्न का सही और राइट आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि क्या आपको खुद ही लगेगा कि क्या वो सही व्याख्या कर रहा है। अगर हाँ तो सही बात है, वरना तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और हम लोग गलत कर जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 4 विकल्प आपके सामने, किसी एक विकल्प पे ताला लगाइएगा। चलिए, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। 1 बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी है, कारण क्या है। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। यहां पे देखिए आपका सिलेक्शन लेना है तो प्रयास करिए कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ने का, ऐसे प्रश्न मत पढ़ा करिए जो आपको पहले से आते हैं, हमेशा नए प्रश्न पढ़ा करिए क्योंकि सिलेक्शन का दायरा बदल रहा है, प्रश्न के तरीके नए नए तरीके से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी सिलेक्ट हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। 3 सेकंड आपके पास है, 3 सेकंड बाद आप विकल्प को नहीं लॉक कर पाएंगे। चलिए ठीक है, यहां पे आज हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए आप लोगों ने एकदम सही बताया है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई, 1 बच्चा प्रति परिवार नीति कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई। ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या है, मतलब इस प्रश्न का ए सही है। इस बार आप लोगों ने एकदम सही बताया, एक परिवार एक बच्चा कानून को कड़ाई से लागू किया गया, इस कानून सकारात्मक परिणाम भी मिला और अब जन्म दर काफी हद तक काबू में आ गई। अब चीन चाहता है कि उसकी जनसंख्या बढ़े और वह इस नियम को खत्म कर भी रहा है ताकि वहाँ पर जो प्रजनन दर है वो बढ़ जाए, और नहीं तो फिर यही हालत रहेगी तो चीन की जनसंख्या कमी भी आ जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा नगरी समूह क्या है। संसार का सबसे बड़ा नगरी समूह क्या है। संसार का सबसे बड़ा नगरी समूह क्या है, फटाफट कमेंट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाला प्रश्न है आपके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए इस प्रश्न का अगर हम देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, याकोहामा, क्या होगा याकोहामा। सोचिए इस प्रश्न का अगर हम विकल्प डी देखें तो आपका जो उत्तर आया है काफी कम परसेंट रहा है, मतलब 17% लोगों ने दिया है। ये एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया, टोक्यो की इसमें सहायक है, यह वास्तव में टोक्यो से जुड़वा नगर तथा सहायक बंदरगाह है। ये टोक्यो का जुड़वा नगर है और सहायक बंदरगाह भी है, सहायक बंदरगाह भी है। तो सोचिए यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर आप परीक्षा में फिर से आएंगे तो गलती ना होने पाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां पे आपको मिलान करना है। अब आपको मिलान करके बताना है और आपके सामने 4 विकल्प है, किसी एक को ताला लगाना है।
चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम। अगर लव एस की बात करें, लव एस का में मेसाबी, मेसाबी कहाँ है आपको पता है? यूएसए, अमेरिका में। खनिज तेल के लिए बाकू, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? अगर बाकू कहाँ पे? अजरबैजान में। ये देश हो गया। अगर तांबा पूछा जाए तो बिंध्यम अमेरिका, यूरेनियम पोर्ट रेडियम कहाँ पे? कनाडा। अब आप बताइए इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या है। लौह उत्पादक दिन में पहले स्थान पर इसमें क्या है? पहले पर है चीन, ठीक है, और तांबे पर अगर देखा जाए तो पहले पर चिली है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। सऊदी अरब, खनिज तेल में देखा जाए तो पहले पर सऊदी अरब है, ठीक है। यूरेनियम में पहले स्थान पर कौन है? कनाडा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आप काम प्रश्न से प्रश्न तैयार करा दें। अब आप ये देखिएगा इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि डी सही है क्या, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आपके हिसाब से किसी के मन में कोई सवाल हो, किसी के मन में कोई संशय हो तो पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, और आपके पास 15 सेकंड है, अपने विकल्प को लॉक कर सकते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये परीक्षा जैसा फीलिंग आएगी आपको, बताइए जल्दी से। अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा था, 5 सेकंड आपके पास और बचे हैं विकल्प को ताला लगाने के लिए। देखिए, प्रवास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाली जो जनसंख्या है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार विश्व में 12 करोड़ लोगों ने अपनी जन्मभूमि से बाहर रहे, इसमें 1.5 करोड़ शरणार्थी भी रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक, यहां पे हमने देखा ओशिनिया में है। कहां पर? ओशिनिया। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है, जिसका जवाब 26% लोगों ने दिया था। सोचिए अगर यही हालात रहेगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। तैयार हैं आप लोग? अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे है? इसके पहले न्यूनतम वाला सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उच्चतम आपको बताना है। बताइए जल्दी, विकल्प के आधार पर अगर आपको बताना हो तो इसके हिसाब से क्या होगा। बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका, जितने लोगों ने ए, ज्यादा लोगों ने इस बार दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब इसका पहले तो जान लेते हैं ये इंडोनेशिया सही है, मतलब 61% लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। मतलब अभी जाकर ये लगा कि हाँ आप लोगों, अभी तक लगा कि हाँ यार आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जापान तो हो ही नहीं सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित लवणों में सागरी जल लवणता किसका अधिकतम है? देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजहन से मेरे द्वारा क्लास चलती है, ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होती है। अन्य क्लास के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं, एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। देखिए लवणों में सागरी जल लवणता किसका अधिकतम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक एक करके, मैं यहाँ पे अगर तथ्य को देखें, कैल्शियम सल्फेट यहाँ दिया है, यहाँ पे 3.6% लवण होता है। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो 10.9% होता है, लिख लीजिएगा हमेशा काम आएगा।
मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% होता है, सोडियम क्लोराइड 77.8% होता है। मतलब यहां पे साफ है एकदम। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट में 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। तो यहां पे ये ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहां से रट लीजिएगा। ये पहले पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये और कैल्शियम सल्फेट चौथे पर। ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और जहां पे सवाल आते हैं वो तथ्य आपको जरूर से याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट, किसी के मन में कोई सवाल? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे मिलान करना है आपको। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तब साफ HD दिखाई देगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए, चीन किस में लौह अयस्क कोयला में आगे है, भारत की बात की जाए तो भैया ये दूध में, चाय में, सऊदी अरब पेट्रोलियम में, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ में। तो आपके सामने प्रश्न है, बताइएगा इसमें से कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। जी हाँ, ताला बंद होने वाला है तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। मतलब जितने लोगों ने सी जवाब दिया था उनके जवाब सही है। ठीक है, देखिए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न है ऐसी सीरीज हमेशा आपको काम आएगी, क्योंकि हमने क्या किया है कि सभी को मिलान करा दिया। एक क्वेश्चन अपने आप में तैयार हो जाता है, मिलान करने के बाद आपको एक जो प्रश्न की सीरीज होती है वो तैयार हो जाती है। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कथन सही है, चार विकल्प है, इसमें से चार विकल्प में से आपको लॉक करना है। 15 सेकंड का आपको मोहलत मिला है, 15 सेकंड में आप लॉक कर दीजिए। बताइए जल्दी से। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, सही बात। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, सही है। ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बेहतर उत्पादन, जी नहीं। अब इटली विश्व में कच्चे चावल का, जी नहीं। तो यहां पर आपने देखा इस प्रश्न का जो सही विकल्प रहा है, जितने लोगों ने विकल्प लॉक किया ये इसका सही जवाब है। मतलब यहां पे कितनी चीजें आपको नई चीजें मिल रही जानने को। तंबाकू कच्चे रेशम का बेहतर उत्पादन चीन करता है, सोयाबीन का बेहतर उत्पादन यूएसए करता है। सोयाबीन में अगर बात किया जाए सोयाबीन तो यूएसए करता है बेहतर उत्पादन। कच्चे रेशम की बात की जाए तो कच्चे रेशम चीन, ये भी पहले पर, ये भी पहले पर। मतलब यहां पर सोचिए आपके कितने और प्रश्न तैयार हो गए। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, अगर कॉपी कलम लेकर लिख रहे होंगे तो आप एक नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है जो व्याख्या होती है प्रश्न की वो आपके लिए ज्यादा माने रखती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। 15 सेकंड है आपके पास अपने विकल्प पे ताला लगाने का। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद आपका ताला नहीं लगेगा विकल्प में। चलिए, ताला बंद होने वाला है। यहां पे होगा स्वेज नहर, क्या होगा यहां पे? दिए गए प्रश्न का जो सही है वो क्या है? स्वेज नहर। आइए स्वेज नहर के बारे में जान लेते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज नहर है। ये भूमध्य सागर को लाल रेखा जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ती है। एक प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी जहाज नहर है ये, ठीक है? ठीक, इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रांडिनेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी?
फ्रांसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड। लिखना चाहें सभी लोग लिख लीजिएगा, फर्डिनेंड। ठीक है, तो फर्डिनेंड घूम क्या थी, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ है 164 किलोमीटर है। तो ये आपको शायद तैयार हो गया होगा आपका ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और मैंने प्रयास किया कि ऐसे प्रश्नों को हल करा देने का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन और कारण का। यहां से ऐसे आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है जो आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं एक आंदोलन है। 15 सेकंड आपके पास समय है, आप चाहे तो इसमें अपने विकल्प को ताला लगाइए और देखिए अगर परीक्षा हाल में होते तो आपका कौन सा प्रश्न सही होता। 193 किलोमीटर क्या, देख लीजिएगा आप लोग लेंथ उसकी। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। देख लीजिएगा क्या है, आइए 5 सेकंड आपके पास और है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां पे हमने और आपने देखा कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करते, जैसे नगरीकरण जब होगा तो उद्योग अपने आप बढ़ेगा, या उद्योग बढ़ेगा तो नगरीकरण होगा। लेकिन यहां पे कह रहा है विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं एक आंदोलन है। मतलब हमने और आपने यहां पर एक बात देखा और जाना कि नगरीकरण का मतलब उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में परिवर्तन करता है और मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना, काम कार्य क्षेत्र तथा काम के क्षेत्र को। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें, उद्योगों की स्थापना के पश्चात नगरों में, उद्योगों के पश्चात नगरों की स्थापना, जैसे पता चला किसी जगह कारखाना पड़ गया तो लोग वहां कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, तो जब काम करने जाएंगे तो नगर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि काम धंधों के उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग बड़ी मात्रा में अपना निवास स्थान औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही निर्मित करते हैं, वह स्थान नगर का रूप धारण कर लेता है। जैसे रानीगंज है, जमशेदपुर है, तो ये आपका गलत, अर्थात यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, मतलब सी। ठीक है, तो यहां पर सोचिए कि सी विकल्प को केवल 5% लोगों ने सही बताया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को क्यों लोगों तक पहुंचाएंगे, क्यों इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यही कारण है कि इस सीरीज में पढ़ने के बाद आपको जो गलतियां होती हैं वो शायद ना हो। यहां पे गलती कर लेंगे लेकिन परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लें। कथन निष्कर्ष से प्रश्न है और मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी। जनसंख्या का आकार तथा उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उस व्यवसायिक समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती हैं तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा सा बताइए क्या होगा। आप लोगों ने विकल्प लॉक किया, 5 सेकंड आपके पास और है। चलिए ध्यान देते हैं, गूगल को उत्तर नहीं मान्य होता, गूगल पे हो जाता तो हम जैसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती, इतनी किताबें हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग की जरूरत क्यों पड़ती अगर सब कुछ गूगल ही बता देता तो। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या होगा। 3 सेकंड आपके पास है, अपने पे ताला लगा सकते हैं, 3 सेकंड बाद आप ताला नहीं लगा पाएंगे। देखिए गलत सही जवाब दिया करिए, ठीक गलत ही गोली मार देगा थोड़ी कोई। यहां पे हम लोग देखेंगे जनसंख्या का आकार तथा उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी, सही बात। माने सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारणों में जनसंख्या का आकार, रचना और वृद्धि महत्वपूर्ण है। भारत में या विकासशील देशों में नगरीकरण में
वृद्धि के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रवजन है। जनसंख्या वृद्धि से लोगों में क्या है, शहर पलायन करते हैं, जैसे व्यवसायिक समूह पुरुषों के साथ स्त्रियां भी आती हैं, जब कोई पलायन करता है तो पुरुषों के साथ उनकी पत्नियां भी जाती हैं और व्यवसाय को भी अपनाती हैं, अपनी आर्थिक स्थिति की को मजबूत करने के लिए खुद भी काम करती हैं, जिससे प्रजनन की दर कम और सामाजिक स्तर परिस्थितियाँ उनकी ज़्यादा हो जाती हैं। अर्थात ये भी सही है, अर्थात ये दोनों सही है। जैसे अगर पति कमाने जाता है तो पत्नी भी साथ जाती है, और पति पत्नी मिलकर कमाना शुरू करते हैं तो उसका ध्यान प्रजनन में न रखकर और काम में लग जाता है, इस प्रकार जनसंख्या भी रुक जाती है और आर्थिक समृद्धि भी आ जाता है। इसलिए जितने लोगों ने इस विकल्प पर ए ताला लगाया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। देखिए इस टाइप के प्रश्न तो आपके परीक्षा में फिक्स आने हैं और आना भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए इस तरह के प्रश्न की भी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपको भरते समय प्रश्न को विकल्प में दिक्कत ना हो कि सर ये हम नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित किस जनगणना दशक के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या की दस की वृद्धि सर्वाधिक रही। जनसंख्या भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी में ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सिलेबस में है। आप भी जवाब दिया कर सोचा करिए, परीक्षा हाल में बैठे हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने सही जवाब अगर देखा जाए तो बड़ा कम परसेंटेज में दिया आप लोगों ने, बड़ा 5 सेकंड आपके पास और अपने विकल्प को ताला लगाइए, ये भगवान। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर। अगर देखा जाए सबसे कम, ऐसे डिवाइडिंग ईयर 1921 है, 11 से 21, लेकिन अगर हम 1931 से 1931 से अगर 41 की तरफ हम बढ़े तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो 1.86% है, लेकिन यहाँ विकल्प में दिया ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आइए देखते हैं हम सब मिलकर। यहाँ ये होगा 1941 से अगर 51 की हम बात करें तो यहाँ पे 3.44% की वृद्धि, और फिर अगर हम 1951 से 61 तक में देखें तो यहाँ पर 1.93% है जनसंख्या वृद्धि, विकल्प आधार में बता रहा हूँ। और अगर हम 61 से 71 की तरफ चलें तो यहाँ पे 2.07% वृद्धि रही। अगर हम 71 से 81 की तरफ चलें तो 3.41% वृद्धि दर रही, 81 से 91 की तरफ चलें 2.41% वृद्धि दर। तो यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर हमने और आपने देखा कि मात्र सही विकल्प का चयन केवल 7% लोगों ने किया था, हो सकता है कुछ लोगों ने सही कुछ लोगों ने गलती से किया हो, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भारत में नगरी जनसंख्या की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा नगरी जनसंख्या की 10 की वृद्धि, ये दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न को अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप परीक्षा हाल में गलती करेंगे, फिर कहेंगे दुर्गेश सर आपने तो यही पढ़ाया था, दुर्गेश सर आपने तो यही बताया था, ऐसा नहीं है। प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, जब तक पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको कितना भी बेहतर प्रश्न पढ़ा लिया जाए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, ये आज का आखिरी सवाल है, इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पर ई लर्निंग, कोई व्यक्तिगत सवाल हो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ेंगे क्योंकि PDF मिल जाएगी आपको, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्या था कमेंट करके बताइएगा, जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहते हैं, क्लास की टाइमिंग आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, डेली क्लास चलती है आपके लिए निःशुल्क लाइव। यह आज का आखिरी प्रश्न है, एशिया में मृत्यु दर उच्चतम थी,
बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देकर। देखिए अभी तक ज्यादा लोगों ने सही जवाब नहीं दिया है। चलिए 3 सेकंड के बाद आप उत्तर लॉक नहीं कर पाएंगे। कल से कितने लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे, कल से कितने लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश में। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम रहती है कहां पर? आपके बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर किया है। जिन्होंने वीडियो को लाइक का बटन दबाया उनको थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। जितने लोगों ने अपना बेस्ट दिया ईश्वर करे अगली भर्ती में उनका स्थान जरूर फिक्स हो। और हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। और NCERT का निचोड़ आप पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल की महाभारत सीरीज, जहाँ पर हम संपूर्ण विश्व भूगोल की सीरीज को एक अच्छे सेशन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। कल भी मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं। और शेयर करने वालों को फिर से दिल से थैंक यू कि आप लोग की वजह से हम क्लास डेली ले पाते हैं। मुझे भी खुद को मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी क्लास लेना चाहिए और अच्छा लाना चाहिए। और डीमोटिवेट करने वाले लोग तो दुनिया में खुद सफल होते हैं, दूसरों को सफल होने देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी बचिएगा जो डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग इस समाज के लिए एक तरह से नासूर है। आप भी स्वयं से मोटिवेट रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, यकीनन सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े, बी पॉजिटिव। थैंक यू।